Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear students, मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो कोरोना वायरस की वजह से हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हैं उससे पहले पहले हमने रेगुलर क्लासेस में जो कुछ भी किया है उसका हम एक आइडिया ले सकें. सो पहले चार पांच लेक्चर्स जो हमारे रेगुलर सेशन के हुए थे उसमें हमने इन चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया था. हमने किसी चीज़ को डेप्थ में नहीं देखा था, हमने हर चीज़ को सिर्फ सरफेस पे देखा था और उसको अपने साथ इंट्रोड्यूस किया था. जैसा कि कुछ गाइडलाइंस थी जो C++ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हमने देखी थी, इनको हमने यूज़ करना है फ्यूचर में, हमें याद होने चाहिए. आउटपुट कैसे करनी है वो हमने देखा था कि हमारे पास दो सिंटेक्सेस हैं, इन दोनों को यूज़ करके हम आउटपुट कर सकते हैं. सो बेसिकली एक एक्सप्रेशन इवेल्यूएट होता है और वो स्क्रीन के ऊपर जहाँ कर्सर होता है वहाँ पर आ जाता है. ये सिंटेक्स है, ये आप सब जानते हैं. इसके बाद हमने इनपुट को देखा था कि कर्सर के ऊपर यूज़र कीबोर्ड से एक वैल्यू टाइप करता है जो स्क्रीन पे नज़र भी आती है, और जो कुछ वो टाइप करता है अगर वो अप्रोप्रिएट होती है फॉर द वेरिएबल तो उसमें जाके वो स्टोर हो जाती है. इसके बाद हमने असाइनमेंट ऑपरेशन को अपने साथ इंट्रोड्यूस किया था कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू इस वेरिएबल में अगर वो अप्रोप्रिएट हो तो स्टोर हो जाती है. इस केस में, असाइनमेंट ऑपरेशन के केस में, कोई इनपुट या आउटपुट नहीं होती है. इसके बाद हमने ये देखा था कि हर प्रोग्रामिंग एंटिटी को, वो वेरिएबल हो, ऑब्जेक्ट हो या फंक्शन हो, उसको यूज़ करने से पहले हमें उसे डिक्लेयर करना होता है. जैसा कि ये चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो C++ में जो अभी तक हमने इंट्रोड्यूस किया उसके हवाले से वैलिड हैं. ये इनपुट है, ये आउटपुट है, और ये दोनों असाइनमेंट ऑपरेशंस हैं. लेकिन ये तभी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो सकेगी एक प्रोग्राम के अंदर, या तभी ठीक होंगी अगर इसमें दिए हुए तमाम वेरिएबल्स जो रेड कलर से मैंने मेंशन किए हैं वो डिक्लेयर होंगे. डिक्लेरेशन कैसे करनी है वो हमने इंट्रोड्यूस किया था कि उसमें हम पहले डेटा टाइप बताएंगे वेरिएबल की और उसके बाद सेमी कोलन लगाएंगे तो वो एक वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, और अगर हम चाहेंगे तो एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन उसको इनिशियली एक वैल्यू असाइन भी कर देंगे. और ये जो वैल्यू है ये कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है जो उस वक्त इवैल्यूएट हो सके. अगली स्लाइड के ऊपर हमने टाइप्स इंट्रोड्यूस की थी, जो पिछली स्क्रीन के ऊपर डिक्लेरेशन के ऊपर उनका जिक्र आया था. टाइप्स में बूल डेटा टाइप है फॉर बूलियन वेरिएबल्स जिनकी ट्रू फॉल्स वैल्यूज होती हैं, चार डेटा टाइप है फॉर करेक्टर वेरिएबल्स, इनकी वैल्यूज को हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, इंट वेरिएबल है टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज. इंटीजर्स क्या होते हैं, ये सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होते हैं बेसिकली. फ्लोट और डबल डेटा टाइप्स यूज होती हैं टू स्टोर रियल नंबर. रियल नंबर्स जो है वो सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स होती हैं और उनके बीच में पॉइंट भी आता है, यानी कि ये वो नंबर्स होते हैं जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट भी होता है. स्ट्रिंग एक ऐसा डेटा टाइप है जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को स्टोर करता है, और ये डबल कोट में इनक्लोज की जाती है. कैरेक्टर्स को सिंगल कोट में इनक्लोज किया जाता है, वैल्यूज को, स्ट्रिंग्स को डबल कोट में इनक्लोज किया जाता है. स्ट्रिंग्स में हम अपने नाम, सिटी नेम्स और इस तरह के वैल्यू स्टोर करते हैं, जबकि एक डेटा टाइप वॉइड भी है. ये वेरिएबल्स इस टाइप के डिक्लेयर नहीं किए जाते, लेकिन फंक्शंस और पॉइंटर्स इस टाइप के डिक्लेयर किए जाते हैं. इसके बाद हमने ये देखा था कि हमने जो नाम रखने हैं वेरिएबल्स के, फंक्शंस के या दूसरी एंटिटीज के, वो कैसे रखने हैं, उसका कॉन्सेप्ट आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट है. आइडेंटिफायर जो है बेसिकली ये आइडेंटिफाई करता है किसी प्रोग्रामिंग एंटिटी को, वो फंक्शन या वेरिएबल होता है. तो प्रोग्राम रखने के नाम का तरीका क्या है वो यहाँ पर गिवन है. इसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं, और ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रीजन्स के साथ जो कि इनवैलिड वेरिएबल्स नेम है. सो आइडेंटिफायर रखे गए. इसके बाद लूप्स और कंडीशंस वो हमने देखी थी. लूप्स का मतलब ये है कि ये एक कीवर्ड वाइल से शुरू होता है, उसके बाद एक कंडीशन होती है, और बॉडी को हम जो उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं उसको एक ब्लॉक में रख देते हैं. लूप बेसिकली यूँ काम करता है कि सबसे पहले उसके वेरिएबल्स जो हैं वो इनिशियलाइज होते हैं,
वेरिएबल इनिशियलाइज होने के बाद उन वेरिएबल्स के ऊपर यहाँ पर कंडीशन टेस्ट की जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होता है। आखिर के ऊपर वेरिएबल्स को हम एडवांस कर देते हैं यानी चेंज कर देते हैं और उसके बाद दोबारा ये कंडीशन टेस्ट चेक होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती हैं और फिर कंडीशन टेस्ट होती है। फिर स्टेटमेंट ट्रू हो तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है और फिर कंडीशन चेक होती है। जिस वक्त हम इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ आएंगे और ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद हम अगली स्टेटमेंट्स को वन बाय वन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। डू लूप के अंदर बेसिकली स्टेटमेंट्स के बाद कंडीशन होती है चेक होती है और सेमीकोलन ही यहाँ पे आता है, जबकि यहाँ पे कोई सेमीकोलन नहीं होता है। कंडीशंस जो हैं वो रिलेटिवली लूप से आसान होती हैं। इस केस में बेसिकली यहाँ आके एक कंडीशन चेक की जाती है इफ के बाद। अगर कंडीशन ट्रू हो तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो तो ये वाली स्टेटमेंट्स स्किप हो जाती हैं और अगली स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाती हैं। इफ का एक दूसरा वेरियंट भी है जो इफ एल्स कहलाता है। इसमें कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू होंगी तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी, अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ये दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होगा डिपेंडिंग अपॉन वेदर द कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। और ये एक दफ़ा जब एग्जीक्यूट हो जाएंगी ये वाली स्टेटमेंट्स तो उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स वन बाय वन एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद आगे ये एक एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अभी तक जो हमने पढ़ा है उन चीज़ों को हमने यहाँ पर लिखा है। हम C++ में जब तक थोड़ा सा एडवांस लर्न नहीं कर लेते, ये वाला जो पोर्शन है ये अपने कोड के ऊपर रखेंगे और ये वाला जो पोर्शन है वो अपने कोड के नीचे रखेंगे और उसके बाद हम ये इन इंस्ट्रक्शंस को वन बाय वन एग्जीक्यूट कर सकेंगे। तो ये पहली इंस्ट्रक्शन एक डेक्लेरेशन है, दूसरी इंस्ट्रक्शन भी एक डेक्लेरेशन है, तीसरी इंस्ट्रक्शन एक आउटपुट है, चौथी इंस्ट्रक्शन एक इनपुट है, पांचवी इंस्ट्रक्शन एक असाइनमेंट ऑपरेशन है, फिर ये एक आउटपुट है और फिर ये एक आउटपुट है। तो ये जब वन बाय वन एग्जीक्यूट होंगी तो तीन वेरिएबल्स ए बी सी बनेंगे, फिर एक वेरिएबल ए बी जी बनेगा, फिर एक मैसेज आउटपुट पे आएगा एंटर थ्री वैल्यूज, उसके बाद तीन वैल्यूज यूजर से ली जाएंगी और वो वेरिएबल्स ए बी सी को असाइन हो जाएंगी, उसके बाद ए बी सी की वैल्यू सम होके तीन पे डिवाइड होके ए बी जी वेरिएबल की उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद आउटपुट के ऊपर देयर एवरेजेस का मैसेज आएगा और उसके बाद ए वी जी की जो वैल्यू है वो स्क्रीन को पर आएगी और उसके बाद कर्सर नई लाइन पे चला जाएगा। तो अब बेसिकली इन सारी चीज़ों के साथ फेमिलियर हैं। हमने इसके बाद बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स की थी जिसमें हमने ड्राई रन करके वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ कोड को एग्जीक्यूट किया था और अंडरस्टैंडिंग डिवेलप की थी कि अगर हमें लिखा हुआ कोड मिल जाए जिसमें लूप्स भी हों कंडीशंस भी हों तो हम कैसे उनको एग्जीक्यूट करके इनपुट आउटपुट और बिहाइंड द सीन मेमोरी में या प्रोसेसिंग यूनिट में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके बाद हमने फंक्शंस को इंट्रोड्यूस किया था। फंक्शंस में डेक्लेरेशन जो है वो इस तरह से होती है और डेफिनेशन जो है वो इस तरह से होती है। बेसिकली डेक्लेरेशन और डेफिनेशन में बुनियादी फ़र्क यह है कि डेक्लेरेशन में हेडर के बाद सेमीकोलन लग जाता है जबकि डेफिनेशन में सेमीकोलन नहीं होता और उसके बाद फंक्शन की बॉडी होती है। यहाँ पर ये वाली जो एंटिटीज हैं ये क्या हैं, इनको हम अगली स्क्रीन के ऊपर एक्सप्रेस कर रहे हैं। आर टाइप इज रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, इट कैन बी द टाइप्स जो मैंने पहले डिस्कस की हैं। एफ नेम इज नेम ऑफ द फंक्शन, ये कोई आइडेंटिफायर हो सकता है। पैरामीटर लिस्ट इज कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वेरिएबल डेक्लेरेशन। पैरामीटर्स बेसिकली एक फंक्शन में वो वेरिएबल्स होते हैं जो कॉलर फंक्शन से कॉलर इंस्ट्रक्शन से वैल्यूज को रिसीव करते हैं कंसेक्टिवली रिस्पेक्टिवली। रिटर्न एक रिजर्व वर्ड है, ये टिपिकली फंक्शन जो है उसकी एग्जीक्यूशन को एंड कर देता है। आर एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू रिटर्न की जाती है कॉलर इंस्ट्रक्शन को या कॉलर फंक्शन को। जैसा कि मैंने कहा था कि आर टाइप जो है फंक्शन की रिटर्न टाइम वॉइड भी हो सकती है, इस केस में फिर हम आर एक्सप्रेशन नहीं देंगे, सिंपली रिटर्न लिख देंगे या रिटर्न वाली स्टेटमेंट ही नहीं लिखेंगे। ये एक एग्जाम्पल है फंक्शन की। नेम ऑफ द फंक्शन है एवरेज,
रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन है फ्लोट, इससे ऊपर ये कमेंट्स हैं। ये तीन वेरिएबल्स जो हैं ये पैरामीटर्स की लिस्ट है। ये इस फंक्शन का अपना एक लोकल वेरिएबल है, ये वाला फंक्शन का लोकल वेरिएबल है जिसको इससे इनिशियलाइज कर लिया गया है। इस फार्मूला से जो भी जवाब आएगा वो सही होगा या गलत होगा वो एवीजी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और एवीजी की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो अगर कहीं से हम लिखें x इज इक्वल टू एवरेज 2, 3, 5 तो ये 2 वैल्यू a को, 3 वैल्यू b को और 5 वैल्यू c को मिल जाएगी जब ये वाला फंक्शन कॉल होगा। जब ये फंक्शन कॉल हो जाएगा ये वैल्यूज इनको मिल जाएंगी और तो ये वाली इंस्ट्रक्शंस सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होंगी और आखिर पे एवीजी के अंदर जो भी वैल्यू मौजूद होगी वो रिटर्न हो जाएगी, यानी कि ये वाला फंक्शन जो है ये इवेल्यूएट हो जाएगा विद दैट वैल्यू। सो इन केस 2, 3, 5, 10, 10 / 3 = 3 तो ये वाला फंक्शन इवेल्यूएट हो जाएगा 3 पे और ये जो 3 वैल्यू है ये x वेरिएबल को असाइन हो जाएगी वो जहां भी होगा। आगे चलते हैं एरेज। एरेज बेसिकली डिक्लेयर करने का तरीका ये है कि जिस तरह एक वेरिएबल डिक्लेयर होता है वैसे ही हम एरे को डिक्लेयर करते हैं। एरे का एक नाम होता है जो वेरिएबल नाम की तरह का ही होता है, उसकी एक टाइप होती है जो वेरिएबल की टाइप होती है, लेकिन इसके साथ एरे का एक साइज हम स्पेसिफाई करते हैं। तो बेसिकली एरे इज एन एरे ऑफ वेरिएबल्स। एन एरे इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन वेरिएबल्स। सिंगल डिक्लेरेशन से हम बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहें तो उसका ये तरीका है। आगे चलते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एरेज की। 10 इंटीजर्स की एरे बन जाएगी, 50 कैरेक्टर्स की एरे बन जाएगी, 4 बूलियंस की एरे बन जाएगी। यहाँ पर हमने साइज नहीं बताया है लेकिन अगर यहाँ पर काउंट करें तो ये 5 डिफरेंट फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स वैल्यूज हैं जिनको हमने इनिशियलाइज किया है विद दिस एरे। तो बेसिकली एरे ऑफ 5 डबल वैल्यूज बन जाएगी। C++ में जब एरे बनती है तो हम बेसिकली अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूँ नम्स को, तो नम्स की जो एरे बनेगी वो बेसिकली एक वेरिएबल नहीं होगा बल्कि उसमें 5 वैल्यूज होंगी, 38 से लेके 83.3 तक। ये वाली जो वैल्यूज हैं इन सारों का नाम नम्स ही है लेकिन ये इंडेक्स 0, 1, 2, 3 और 4 पर अवेलेबल हैं। तो अगर मैं कहीं पर लिखूं सी आउट और एक्सप्रेशन में लिखूं नम्स ऑफ 3 तो ये वाली वैल्यू मुझे एक्सेस हो जाएगी जो थर्ड इंडेक्स पे मौजूद है। आगे चलते हैं, ये एक एग्जांपल है कि हमने मेन फंक्शन में जो C++ का मेन फंक्शन होता है एक एरे बनाई 5 साइज की जिसको इससे इनिशियलाइज किया, एक फंक्शन एवरेज को कॉल किया, उसको एरे पास की और साथ ही 5 साइज ऑफ एरे पास कर दिया। उस फंक्शन ने एरे को एज अ पैरामीटर रिसीव किया, चूंकि यहाँ से एक बनी बनाई एरे इधर आ रही है तो यहाँ साइज की जरूरत नहीं है देने की और एन में 5 आ गया। इसके बाद इस फंक्शन ने लोकली एक वेरिएबल सम डिक्लेयर किया, उसके बाद एक जे डिक्लेयर किया, फिर ये एक उसने लूप लगाया और लूप के बाद उसने एवरेज कंप्यूट करके रिटर्न कर दिया तो एवरेज यहाँ वापस आ जाएगी और ये हो जाएगा। तो ये हमने ड्राई रन में इसको देखा हुआ ये कैसे एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद हमने यूजर डिफाइंड टाइप्स के अंदर इन्यूमिरेटर्स और स्ट्रक्चर्स को इंट्रोड्यूस किया था। इन्यूमिरेटर्स बेसिकली जब हमने डिक्लेयर करना होता है तो कीवर्ड एनम के बाद हम इन्यूमिरेटर का नाम बताते हैं और उसके बाद एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज बता देते हैं। जिस तरह ये दूसरी एग्जाम्पल है कॉइन, तो इसके अंदर हमने लिस्ट ऑफ वैल्यूज भी बता दी और हर लिस्ट में जो एंटिटी है उसकी वैल्यू इटसेल्फ भी बता दी। तो न्यूमिरेटर बेसिकली यहाँ यूजर डिफाइंड टाइप्स के लिए होता है। यूजर डिफाइंड टाइप्स का मतलब ये है कि ऐसी टाइप जो C++ में ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है लेकिन प्रोग्रामर अपनी सहूलत के लिए उस टाइप को बनाना चाह रहा है तो यूजर डिफाइंड टाइप बना सकता है। इन्यूमिरेटर्स उन टाइप्स के लिए हम बनाते हैं जहाँ पर एक स्मॉल सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास होती हैं, ठीक है। जैसे जेंडर है उसमें एक लिस्ट है मेल और फीमेल में से सिलेक्ट होगा,
आईटी की डिग्री है, कंप्यूटिंग रिलेटेड, SCCS IT GS होगा, ये बेसिकली हमारे कॉलेज की डिग्रीज हैं। और इसी तरह हम बहुत सारे न्यूमरेटर्स बना सकते हैं, RGB कलर्स हैं, रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यूज होती हैं एटसेट्रा। दूसरी डेटा टाइप जो यूजर डिफाइंड टाइप हमने इंट्रोड्यूस की है वो है स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर बेसिकली एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है। इसमें जब हम एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं तो न्यूमरेटर में एनम वर्ड यूज करते हैं या स्ट्रक्ट करते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम आता है, और फिर कर्ली ब्रेसिस में वेरिएबल डिक्लेरेशन आती हैं जो कॉम्पोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर होते हैं। यानी स्टूडेंट करंट सिनेरियो में हमने रोल नंबर, नाम और CGPA की बेस के उसके कॉम्पोनेंट्स लिए। एरे भी कॉम्पोजिट डेटा टाइप होता है लेकिन उसमें सारी वैल्यू सिमिलर होती हैं और इंडेक्स से एक्सेस की जाती हैं, जबकि स्ट्रक्चर जो है वो भी एक कॉम्पोजिट डेटा टाइप है। इसके अंदर जो इसके कॉम्पोनेंट्स हैं वो उसके कॉम्पोनेंट के नाम से एक्सेस किए जाते हैं। अगले स्लाइड के ऊपर एक ज़्यादा डिटेल्ड एग्जाम्पल पर हम इसे देखते हैं। मसलन जब हम एक इन्यूमिरेटर जेंडर बना लेंगे तो फिर हम जेंडर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकेंगे। इस पॉसिबल लिस्ट में से वैल्यूज उसको असाइन कर सकेंगे, उस वैल्यू को कंपेयर कर सकेंगे और उसके बाद रिस्पेक्टिव आया हो जाएगा। यानी कि जेंडर हमारे पास एक अब टाइप बन जाएगी जब हम उसे इस तरह से डिक्लेयर कर लेंगे। स्ट्रक्चर है कि हमने एक बॉक्स नाम का स्ट्रक्चर बनाया जिसके तीन कॉम्पोनेंट हैं, हाइट, विड्थ और डेप्थ, और वो तीनों इंटीजर कॉम्पोनेंट हैं। इसके बाद फिर हम बॉक्स टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं। अब इनके कॉम्पोनेंट को एक्सेस करने के लिए हम जो हमारा स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है डॉट लगा के स्ट्रक्चर में जो कॉम्पोनेंट्स बताएं उनको लेंगे तो इंडिविजुअली हमारे पास एक कॉम्पोनेंट एक्सेस हो जाएंगे। जिस तरह अगर ये बी मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक हाइट है, उसके बाद एक विड्थ है और एक डेप्थ वेरिएबल है, तो इसके तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, कॉम्पोनेंट वेरिएबल्स हैं। तो बी डॉट हाइट मीन दिस, बी डॉट विड्थ मीन दिस और बी डॉट डेप्थ मीन दिस। तो हम इंडिविजुअल को विद देयर कॉम्पोनेंट नेम एक्सेस कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पे किए हैं। सो वी एक लोकल वेरिएबल है जिसकी वैल्यू को यहाँ हमने प्रेजेंट किया है। स्ट्रक्चर्स के बाद जो फंक्शनैलिटीज हैं विद UDTs वो ये है कि हमें जनरली यूजर डिफाइंड टाइप्स में जिस तरह बाकी टाइप्स के अंदर हमारे पास ऑपरेशंस हैं, फंक्शंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूजर डिफाइंड टाइप्स के साथ हमें इन जनरल कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो सारी के सारे फंक्शंस या फंक्शनैलिटीज जो हैं रिगार्डिंग इनपुट, आउटपुट, कंपैरिजंस वगैरह वगैरह, ये हमें खुद ही बनाना पड़ते हैं। बिल्ट इन टाइप्स में, इंटीजर्स में, फ्लोट्स में हमारे पास प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड के ऑपरेशंस अवेलेबल हैं जो इन ऑपरेटर्स से हम करते हैं। लेकिन जब हम यूजर डिफाइंड टाइप्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल वो नंबर्स ही हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं या रैशनल नंबर्स हैं, तो उनके लिए ये ऑपरेटर्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो हमें उनके लिए फंक्शंस बनाना पड़ेंगे। मसलन एक ऐड का फंक्शन हम बना सकते हैं जिसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर C1 और C2 हम पास करें और वो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज़ बेसिकली सम ऑफ C1 C2 को रिटर्न करते हैं। तो इसी तरह हर तरह की जो फंक्शनैलिटी है वो भी फिर हमें खुद बिल्ड करना होगी। तो एक प्रोग्राम जो C++ में होता है उसमें कोड होता है यानी इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होनी है, और डेटा होता है जो इंस्ट्रक्शंस जिस प्रोसेस करनी है। सो डेटा से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उसमें बिल्ट इन टाइप्स हैं, इन्यूमरेटर, स्ट्रक्चर्स, इनके मिक्सचर्स वगैरह बहुत कुछ है। ये सारी चीज़ें डेटा के लिए होती हैं। इसके मुकाबले में डिक्लेरेशन एक इंस्ट्रक्शन है, असाइनमेंट ऑपरेशन, आउटपुट, इनपुट, फंक्शन कॉल, इफ एल्स, व्हाइल एटसेट्रा, इसको बेसिकली हम कोड कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर डेटा और कोड को डिफ्रेंशिएट किया है। इसके बाद मैंने आपसे ये कहा था कि अब आप अपने तौर पर स्पीड पिक कर लें, क्योंकि हमें तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं हम स्लोली स्टेडली डिफरेंट फंक्शंस को ड्राई रन करते हुए, कमेंट करते हुए, कुछ क्विजेस लेते हुए चीज़ों को आगे बढ़ रहे हैं। सो आप खुद से बुक पढ़ें, इंटरनेट पे देखें, कॉन्सेप्ट्स को समझें। हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें अंडरस्टैंड कर ली हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो इस वक्त मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप रेडी हो जाएं, मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। आपको
कोई किक नहीं करेगा, कोई स्टार्ट नहीं करेगा, आपको अपने लिए खुद ही स्टार्ट होना है, आपको डाई हार्ड वर्क करना है विद ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू गो आउट। ईगो आपने साइड पे रखनी है, क्वेश्चंस पुट करने हैं, तभी आपको प्रोग्रामिंग समझ आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। क्लासरूम में जो आपके साथ दोस्त बैठे होते हैं उनके साथ वहाँ डिस्कशन नहीं करें, वहाँ टीचर्स के साथ डिस्कशन करें और मुमकिन हो तो अपने मुंह पे टेप लगा लें। तो दिस इज माय फर्स्ट स्लाइड सेट। इसके बाद हमने जो दूसरा स्लाइड सेट देखा था क्लास के अंदर, उसमें हमने बेसिकली टाइप कास्ट्स को, ऑपरेटर्स को और किसी हद तक कंपाइलेशन प्रोसेस और एरर को देखा था। मतलब यह कि जो चीज़ें इससे पहले हमने बिल्कुल सरफेस पे इंट्रोड्यूस की थी और हमने अपने जनरल कॉन्सेप्ट्स को लेके आगे बढ़े थे, उन्हीं चीज़ों को लेके अब हम थोड़ा थोड़ा डेप्थ में जा रहे हैं। टाइपकास्ट बेसिकली ये हो सकता है कि आप लोगों ने अब तक ऑब्जर्व किया हो कि कुछ आंसर सही नहीं आते हैं, जिसमें एक एग्जांपल ये है कि अगर एक ऐसी सिचुएशन है कि ए में हमने 63 स्टोर किया है और बी में 10 स्टोर किया, दोनों इंटीजर्स हैं, उसके बाद हमने ए को बी पे डिवाइड किया है और उसकी वैल्यू जो भी आती है उसको हमने फ्लोट वेरिएबल एफ में स्टोर किया है। इसके बाद जब हम इस तरह से इसे आउटपुट करते हैं तो एफ की वैल्यू 6 प्रिंट होती है, 6.3 नहीं होगी। इसका सोल्यूशन क्या है या इसकी रीज़न क्या है, ऐसा क्यों है? बेसिकली C++ जो है वो ऑपरेंड्स को देखते हुए एडिशन करती है। यहाँ पर ये एडिशन या ऑपरेशन करती है, यहाँ पर ये जो डिवीजन है ये डिवीजन बेसिकली इंटीजर डिवीजन है। इंटीजर डिवीजन का मतलब है कि जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे तो आंसर इंटीजर ही आएगा, उसका फ्रैक्शनल पार्ट ड्रॉप हो जाएगा। तो 63 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 6.3 की बजाय जो 6 होगा वो तो इंटीजर में सेव हो जाएगा, 0.3 ड्रॉप हो जाएगा। अब इसका सलूशन क्या है? सलूशन से पहले हम ये देखते हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। बेसिकली टाइप कास्टिंग ये है कि जब भी हम एक्सप्रेशंस में डिफरेंट टाइप को यूज़ करते हैं कि इंट और फ्लोट को हम ऐड करते हैं, ए इज़ इंटीजर, बी इज़ फ्लोट, तो बेसिकली दो डिफरेंट टाइप्स हैं और उनके बीच में सम ऑपरेशन, तो ये सम ऑपरेशन फ्लोटिंग पॉइंट वाला सम ऑपरेशन होगा या इंटीजर्स वाला होगा। तो यहाँ पर बेसिकली जब एक ऑपरेशन होगा तो उसके ऑपरेंड्स की टाइप का सेम होना ज़रूरी है। तो एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन जो भी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग ये करती है कि जो भी शॉर्टेड साइज डेटा टाइप होती है उसको प्रमोट कर देती है इनटू द लॉन्गर साइज डेटा टाइप। मसलन अगर ये इंटीजर है और ये फ्लोट है तो इंटीजर फ्लोट के अंदर हो जाएगा, और अगर दोनों टाइप सेम होगी तो फिर ये उसी तरह का ऑपरेशन होगा। असाइनमेंट ऑपरेशन जब भी हम करेंगे कि ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो इसका आंसर जो मर्जी हो, ये चूंकि वैल्यूज इसमें स्टोर होनी है, तो असाइनमेंट ऑपरेशन के केस में जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो वैल्यू को टारगेट वेरिएबल की तरफ टाइप कास्ट करती है। जबकि अगर हम चाहें तो इन द फर्स्ट केस एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग भी कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स या टेम्परेरी वैल्यूज यूज हो रही हैं उनकी, उनको टाइप कास्ट कर सकते हैं। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे है उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। इस एग्जांपल के अंदर तो बेसिकली मैंने इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को इंट्रोड्यूस किया है। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में हमने ए को और बी को एक्सप्रेशंस में यूज करने से पहले एक फ्लोट फंक्शन में उसे पास कर दिया है। अब फ्लोट कोई फंक्शन नहीं है, ये तो टाइप है, और टाइप एक रिजर्व वर्ड है तो ये किसी फंक्शन का नाम हो भी नहीं सकता। तो जब भी हम किसी टाइप को लाइक अ फंक्शन यूज करते हैं और उसके अंदर जो वैल्यू से पास करते हैं वो वैल्यू बेसिकली उस टाइप की वैल्यू बन जाती है, वैल्यू में चेंज नहीं आती है। मसलन ये 63 जो है, अगर ये एक इंटीजर है, जब हम मैं उसको फ्लोट ऑफ ए करूँगा तो ये 62 की टाइप इंटीजर से फ्लोट बन जाएगी, मगर ये वैल्यू 63 ही रहेगी। तो फ्लोट ए मीन 63 फ्लोट डिवाइड बाय फ्लोट बी मीन फ्लोट 10 विल रिजल्ट्स इन फ्लोट 6.3 जो कि फ्लोट एफ में सेव हो जाएगा,
और उसके बाद जब मैं ये एक्सप्रेशन लिखूंगा तो ये आ जाएगा। तो एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट बेसिकली यूज किया जाता है। एक्सप्लिसिट टाइपकास्ट करने के लिए टाइप को फ्लोट की फंक्शन की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन एक और सिंटेक्स भी है कि हम एक्सप्रेशन से पहले ब्रैकेट्स में टाइप यूज कर लें, या फिर एक कीवर्ड है फॉर द ऑपरेटर स्टैटिक अंडरस्कोर कास्ट, उसके बीच में बता दें कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू को हम किस तरफ को कास्ट करना चाह रहे हैं। आई रिकमेंड यू कि आप इस सिंटेक्स को यूज करें, क्योंकि ये ज्यादा बेहतर, मॉडर्न और सेफ सिंटेक्स है। ये वाला सिंटेक्स पुराना सी प्रोग्रामिंग स्टाइल का सिंटेक्स है और ये फंक्शन स्टाइल सिंटेक्स है, हमें इसको यूज करना चाहिए। यहाँ से एक और टॉपिक को हम थोड़ा सा इनडेप्थ डिस्कस करते हैं, और वो ये है कि हमारे पास जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं उनके साइजेस क्या हैं। जैसा कि अभी इम्प्लिसिट डेटा टाइप कास्टिंग में भी मैं ये कह रहा था कि शॉर्टर साइज वाइडर साइज की तरफ टाइप कास्ट हो जाती है। सो बुलियन मेमोरी में एक बाइट लेता है, कैरेक्टर भी एक बाइट लेता है, अनसाइंड चार भी एक बाइट लेता है, उसके बाद ये डेटा टाइप्स इस तरह मेमोरी में लेती हैं। इनमें से कुछ टाइप्स जो हैं वो कंपाइलर रादर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है, यानी कि वेरी कर सकती हैं। लॉन्ग डबल कैन बी ऑफ 16 बाइट्स एंड मे बी ऑफ 8 बाइट्स ऑन सम कंपाइलर्स और प्लेटफॉर्म्स। यहाँ पर कुछ क्वालिफायर्स हमने ऐड किए हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को खुद से देखने होंगे। तो बेसिकली ये सबसे शॉर्टर टाइप है और ये सबसे लॉन्गर टाइप है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये देखें, ये जो पांचों बिल्डिंग टाइप्स हैं, बूलियन, कैरेक्टर्स, इंटीजर्स, फ्लोट्स एंड डबल्स, ये सारे के सारे आपस में अप्रोप्रिएट है। जब हम इस एक एक्सप्रेशन बनाते हैं जिसमें बूलियन भी हो, कैरेक्टर भी हो, इंटीजर वैल्यू भी हो और डबल वैल्यू भी हो, वो सारी चीज़ें आपस में ऑपरेट होती हैं और इसके अंदर वो वैल्यू स्टोर भी हो जाती है और ये रिजल्ट आउटपुट में भी आ जाता है। यहाँ पर जो इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग है वो बेसिकली ट्रू वैल्यू 1 में टाइप कास्ट हो जाएगी, फॉल्स वैल्यू 0 में टाइप कास्ट हो जाती है। करेक्टर वैल्यू हमेशा अपने ASCII में कन्वर्ट हो जाएगा, शॉर्ट वो तो वैसे ही जब प्रमोट होगी तो उसकी वैल्यू वही रहेगी, लॉन्ग वैसे लेंथी डेटा टाइप होती है डबल। तो जब इन सारी चीज़ों को हम ऑपरेट करेंगे वन बाय वन तो नेट रिजल्ट हमारे पास ये आएगा जो आउटपुट पे आ सकता है, यू कैन एक्सपेरिमेंट इट। इसके बाद हमने ऑपरेटर्स देखे थे। C++ में ये बड़ी लंबी लिस्ट है ऑपरेटर्स की, वेराइटी ऑफ ऑपरेटर्स वहाँ मौजूद हैं। ये ऑपरेटर्स इस लिस्ट में यूँ बनाए गए हैं कि सबसे ऊपर हाईएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है, यानी कि अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे ऑपरेटर्स होंगे तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन होगा बाद में, और सबसे नीचे लोएस्ट प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर है। अब कुछ ऑपरेटर्स की जो प्रेसिडेंस है उसके साथ उसकी एसोसिएटिविटी होती है कि उस ऑपरेटर ने लेफ्ट टू राइट ऑपरेट होना है या राइट टू लेफ्ट ऑपरेट होना है। एसोसिएटिविटी जो है वो सेकंड कॉलम में गिवन है और लास्ट कॉलम में डिस्क्रिप्शन गिवन है। कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स जो हैं वो अरिथमेटिक हैं, नॉर्मल अरिथमेटिक करने के काम आते हैं, रिलेशनल हैं, ये बेसिकली कंडीशंस के काम आते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन वगैरह वगैरह, ये वाले ऑपरेटर्स जो हैं ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, ये वाले ऑपरेटर्स ये रिलेशनल हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो ये आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो ये हैं। बुलियन और लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं ये बेसिकली आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसके बाद बिटवाइज ऑपरेटर्स या कुछ और ऑपरेटर्स जो हैं वो भी आपको मिल सकते हैं। आगे चलते हैं, उन्हीं ऑपरेटर्स को में से कॉमनली यूज ऑपरेटर्स मैंने इकट्ठे किए हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ऑपरेटर्स अरिथमेटिक हैं, यूनरी अरिथमेटिक मीन माइनस बी या प्लस ए हाई प्रेसिडेंस के हैं, और ये अपने राइट से लेफ्ट ऑपरेट होते हैं। इसके मुकाबले में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर हाई प्रेसिडेंस रखता है। इनइक्वालिटी ऑपरेटर इक्वालिटी ऑपरेटर्स के मुकाबले में हाई प्रेसिडेंस रखता है।
डबल इक्वल टू साइन यूज होता है टू कंपेयर टू वैल्यूज फॉर देयर इक्वालिटी, एंड एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू ऑपरेटर यूज होता है फॉर कंपेयरिंग टू वैल्यूज फॉर नॉन इक्वालिटी. लॉजिकल एंड करने के लिए दो एम्परसेंट साइंस यूज किए जाते हैं, लॉजिकल और करने के लिए दो बार्स यूज की जाती हैं, और लॉजिकल नॉट के लिए सिंपली एक एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया जाता है. असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि हम पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं वो ये होता है, लेकिन कुछ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस भी C++ में अवेलेबल हैं. इसके बाद पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं, ये आप कहीं से भी इनको देख सकते हैं. इसके बाद कुछ और ऑपरेटर्स हैं जो कॉमन है, जिस तरह एक एक्सप्रेशन है तो हमने अगर ए प्लस बी टाइम्स सी करें तो ये ऑपरेशन पहले होगा, ये ऑपरेशन बाद में होगा, लेकिन अगर इसके ऊपर ब्रैकेट लगा दें तो ये पहले हो जाएगा. तो ग्रुपिंग में इस्तेमाल होता है, प्रेसिडेंस हाई करनी होती है, फंक्शन कॉल के अंदर ये इस्तेमाल होता है, टाइप कास्टिंग में ये इस्तेमाल होता है, स्ट्रक्ट के लिए ये यूज होता है, एरे एक्सेस के लिए ये ऑपरेटर यूज होता है. इसके अलावा ये बिटवाइज ऑपरेटर्स वगैरह जो इस्तेमाल होते हैं. आगे चलते हैं, इस टिपिकल स्लाइड के ऊपर हमने ये देखा था कि एक प्रोसेस जिसमें वो कोड जो हम लिखते हैं, एक स्लाइड के ऊपर मैंने कहा था ना कि कुछ कोड जो है वो हम ऊपर लिखेंगे, फिर बीच में आवर कोड आएगा, और फिर नीचे एक छोटा सा पोर्शन जो है वो हम जो है वो बनाएंगे जिसमें रिटर्न वगैरह होगा. तो ये वाला जो कोड है ये हमने लिखा है, ये अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कैसे होता है उस प्रोसेस को हमने देखा था. सबसे पहला स्टेप जो है कि हम कोड एडिट करते हैं, इसके लिए हमको टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, कोड टाइप करते हैं, सेव करते हैं, फाइल बन जाती है CPP की. इसके बाद हम कंपाइलेशन प्रोसेस से गुजरते हैं, हम क्लास में माइक्रोसॉफ्ट का कंपाइलर जो है वो यूज़ कर रहे हैं, और CL कमांड के ज़रिए आगे फाइल नेम लिख के जब हम एंटर करते हैं तो वो कोड कंपाइल हो जाता है. कंपाइल बेसिकली डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर गुजरता है, उसमें पहला प्री प्रोसेसर है, फिर एक असेंबली जनरेट होती है, फिर एक ऑब्जेक्ट फाइल जनरेट होती है, और फिर लाइब्रेरीज और दूसरी चीज़ों के साथ लिंक होके अल्टीमेटली लिंकिंग का जो प्रोसेस है वो एक एग्जीक्यूटेबल जनरेट करता है. जब एक एग्जीक्यूटेबल जनरेट हो जाती है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम जो है वो मेमोरी में उस प्रोग्राम को लोड किया जाता है. वो मेमोरी में जो प्रोग्राम लोड होता है तो इस तरह का एक प्रोसेस फेस में जाता है जिसमें इंस्ट्रक्शंस, उसके ऊपर ग्लोबल डेटा जो कि इनिशियलाइज्ड होता है, प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज किया होता है, उसके ऊपर ग्लोबल या स्टेटिक डेटा जो प्रोग्रामर ने इनिशियलाइज नहीं किया होता वो पार्ट होता है, और उसके ऊपर का जो एरिया है ये टिपिकली लोकल वेरिएबल्स के लिए या हीप के लिए इस्तेमाल होता है. एरर्स, सिंटेक्स एरर से आप फेमिलियर हैं, वार्निंग क्या होती हैं, क्यों ज़रूरी हैं, इससे मैंने आपको फेमिलियर किया हुआ है. रन टाइम एरर्स, लॉजिकल और एक्सेप्शंस दो कैटेगरीज में आते हैं, वो हमने देखा क्या होते हैं. कंपाइलर्स जनरेट कहाँ से होते हैं, ये चीज़ें हमने थोड़ी सी देखी हुई हैं. तो ये बेसिकली वो तमाम चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़ी हैं बिफोर गोइंग टू द ऑनलाइन लेक्चर. तो मैं ये समझता हूँ कि इन चीज़ों को आप अपने तौर पर कहीं ना कहीं से रिवाइज कर ले, सो दैट के अगले लेक्चर्स के साथ आप कनेक्ट हो सकें. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.